जिसके दिल में दया है, जो धर्म की पालना करता है, जिसके दिल में दया नहीं है वो तो दुष्ट आदमी है, दुरात्मा है, वो पापियों से भी पापी है। और ये बता दूं, ऐसे इंसान का इतबार भी नहीं करना जो अपने माँ बाप का नहीं, अपने घर परिवार का नहीं, जो अपने गुरु पीर का नहीं। तो ऐसे दुष्ट आदमी से तो दूर से ही अच्छा है आदमी। मैं तो ये कहा करता हूं कि 5 कदम कुत्ते ते डरिए, 10 कदम सिंगवारे ते, 20 कदम तिरिया ते डरिए, 100 कदम लजमारे से। कुत्ते से तो 5 कदम दूर से निकलना चाहिए, शेर से 10 कदम दूर से निकलना चाहिए। अरे स्त्री, स्त्री कौन लज्जाहीन स्त्री हो। ये वैसे माताओं से नहीं कहा मैंने, ऐसी वैसी से कहा है जो ठीक नहीं हो तो उनसे आदमी दूर से निकल जाए तो अच्छा है। और दुष्ट आदमी से, जो नीच आदमी है, जो बुरा आदमी है, उससे तो 100 कदम दूर से निकलना चाहिए, वो सबसे बुरा है। लजमारा कहते हैं उसको, जिसको कोई लज्जा नहीं, जिसको कोई शर्म नहीं, जो बुरा करके पछताता नहीं है। तो इसलिए कभी किसी से किसी का नमक खा के नमक हरामी मत बनो। गुरु से नाम की दीक्षा लेके गुरु से दगा और धोखा मत करो, कहीं ठोड नहीं मिलेगी। जो नमक खा के करता है वो नमक हरामी है, और जो गुरु के साथ ऐसा करता है वो गुरुद्रोही है। और गुरुद्रोही बचे नहीं, चाहे दुर्वासा हो, खंड खंड कर मार सिर परमेश्वर की सो। गुरुद्रोही होगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके दास होगा, वो बच नहीं सकता। अपने जीवन को ढोएगा, वो पाप बन के ढोएगा। दुनिया देखेगी किसने गुरु से द्रोह किया, इसलिए इसकी ये हालत है। और अपनी माँ बाप के साथ उनका दूध पी के, उनका खा के, और अगर उनके साथ कोई धोखा करता है तो दूध को लजाता है, दूध हरामी है। उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता ऐसे लोगों को। माँ जिसने अपना सब कुछ पिला के हर प्रकार से अपने बच्चों का किस प्रकार से लालन पालन करती है, 2 मिनट इंसान बच्चे को गोद में नहीं रख सकता, वो बेचारी 9 महीने तक तो पेट में रखती है, उसके बाद 2 साल तक, 3 साल तक उसका टट्टी पेशाब, उसकी हालत, उसका खान पान, उसका थूक, सब कुछ वो किस प्रकार से उसको वो जीवन देती है। और उसके बावजूद वो इंसान अपनी माँ के किए हुए उपकारों को भूल जाता है, उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता। अब मैं आपको सीधी भक्ति की बात बताऊं, नाम की बात बताऊं, आपको कहूं अभ्यास ऐसे करो, नाम का सुमरण ऐसे करो, समाधि ऐसे लगाया करो। क्या खाक समाधि लगेगी जब हमारे विचार ही पवित्र नहीं है, हमारा जीवन ही अच्छा सच्चा नहीं है, हमारे दिल के अंदर दया धर्म की पालना करने की हिम्मत नहीं है, हम अपने माँ बाप तक की सेवा नहीं करते, बाहर जाके समाज में क्या करेंगे। चोरी कचोरी झूठ कपट छल बेईमानी का जीवन बिताते हैं तो हम कैसे प्रभु के नाम की ओर चल सकते हैं। सच्चे इंसान बनो, पहले अपनी इंसानियत को जगाओ, पहले मनुष्य बनो। हमने इंसानियत को खो दिया है, इन संसार के प्रलोभनों में आके अपने हित के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने लालच के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं, बड़े से बड़ा पाप करवाओ, भूल जाते हैं सब कुछ। अपनी बुराई नहीं, हम लोगों की बुराई देखने में समय व्यतीत कर देते हैं। अपने अंदर में अगर झांक के देखें तो हमें बहुत कमियां हैं, अपनी कमियों को सुधार लें, दूसरों की कमी देखने के लिए कहां समय मिलेगा। अगर इंसान अपनी सोच करेगा वो सुधार कर लेगा, जो अपनी सोच नहीं करता, इंसान तो क्या करता है कि दोस्त पराया देख के चले, हसंत हसंत अपना याद न आमिता का आदन अंत। दूसरों की बुराई देख के तो हंसता हुआ हंसता है कि देखो ये कितना बुरा है, देखो इसने क्या किया है, अपनी ओर नहीं देखता मैंने क्या किया है। अगर वो अपनी गिनती करे तो शायद उसको अपनी ही बातें याद करके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो अपनी नहीं देखता, वो जिन आंखों से देखता वो बाहर देखती है, अपनी आंखों से नहीं देखते वो। अपनी आंख है ज्ञान की आंख, विवेक की आंख, विचार की आंख। विचार करोगे ज्ञान की आंख से, विवेक की आंख से अपने अंदर में झांकोगे, और जब अंदर में झांकोगे तो तुम्हारे चरित्र का पता लगेगा कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। क्या तुम में सद्गुण है? अगर नहीं है तो तुम में बुराइयां कौन सी हैं? सतगुरु करता क्या है? सतगुरु यही तो दर्पण दिखाता है कि देखो अपनी बुराइयों को, देखो बुराइयां हैं उनको निकालो। दूसरा भी अगर बताता है तो भी समझो कि हमारा हित किया,
उसने हमारी बुराइयां दर्शाई बताई, हमें उनसे बचना चाहिए। और जब बुराइयों से निजात पालोगे, पाप कर्मों से छूट जाओगे, नीच कर्मों को छोड़ दोगे, अपने कर्म को सुधार लोगे, तो ये सारे के सारे काम आपको भक्ति की ओर अपने आप ले जाएंगे। वो प्रभु फिर दूर नहीं है, पास में ही है, वो तो संभालता है अपने भक्तों को। परमात्मा को अगर जानना चाहते हो, परमात्मा खुद अपने भक्तों को आके देखता है, उनको कोई कमी तो नहीं रह गई। भक्तों को उनके पास जाना नहीं पड़ता।